राम राम सभी को। वेलकम टू प्रीति चैनल ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। बाबा मोहन राम जी की कृपा आप सब पे बनी रहे। तो हो चुके हैं सुबह के 5। अभी पार्थ भी सोया है, फोन चार्जिंग पे लगाना, बैटरी नहीं है इसमें। अब मैं आ चुकी हूँ नहा के, फिलहाल पूजा कर लेती हूँ। काम हो चुका है, पार्थ सोया हुआ है। आज तो कान में चीज हो गया, पता नहीं कैसे। जय तो ये मैंने अलग पन्नी बना रखी है जिसमें मैं बची हुई, क्योंकि आपको पता है मैं डेली अंगारी लगाती हूँ, तो ये इसमें डाल देती हूँ मैं। क्योंकि इसको ऐसे ही नहीं फेंकते, जोत की जो भी राग वाग कुछ भी हो। तो मैं हो चुकी हूँ तैयार, अब पार्थ चलते हैं। दूध कुछ फिसला फिसला सा हो रहा। अरे मैया देखे, हमारी गैल गैल चलेंगे ये, वो खड़े साइलेंट भैया। हम चोरा से हमें ही चोर ना मिल जाए। ये ईख है? हाँ। मैं इन्हें ज्वार कह रही हूँ, देखो आगा। मैं तो इन्हें ज्वार सोच रही कि ये ज्वार है। आडू एक की जगह दो आवे। तो यहाँ आते ऑन रोड ऐसे? नहीं तो मैं क्या भी कल मम्मी चाचा ने तो साफ करा। अच्छा ये कैसे गिर गई? ये भी ईक है? हाँ मतलब सारी ही ईक है। हाँ। और ये भी? ये ज्वार है। ये ज्वार है और ये सब ईक। पांच लाए खूब बड़ा।
गए चल। ये बोरी क्यों रखी है? ऊपर से तैनी करो कल की, इसमें लगा दियो वो जो बदबू आ रही है उसमें। देखिए फोन उठ गए, उठ गए आप। ओ मैं गिरी। कब उठा बेटा तुम? कब उठे? अभी? और अभी उठे? सही टाइम पे उठा। आज तो पार देखी मम्मा के वो लगी। ओ दे लूंगी। बहुत किनारी पे हैं, बहुत किनारी पे लगी है, दर्द हो रहा है। ट्यूब तो लगा लो, जिसे मैं डेली कहती थी ये ज्वार है, आज बुआ ने बताया कि वो ईक है, और जैसे उसको हटा के जाते हैं तो यहाँ लगी बिल्कुल किनारे पे। तो जैसा कि आप सबने देखा, हम गए देवताओं पे आज, तो मतलब जल्दी चले गए थे। आशु को जाना था मॉर्निंग वॉक, तो फिर उसे यही था कि हाँ मतलब जल्दी चले जाए। फिर मुझे भी ये था, मैंने कहा पार्थ भी सोया हुआ है, फिर चली जाती हूँ पार्थ को, वरना फिर पार्थ को जल्दी जल्दी में लेके जाती हूँ। आज मन का संडे है, इसे आराम से सोने दूँ, फिर आके उठाऊँगी। तो अब आई तो पार्थ को उठा ही मिला है, और बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि कल मावस थी, और जबकि मम्मी हमारी हमें पहले ही बताती है सच में, और मैंने ध्यान नहीं दिया ऐसे कि कल मावस थी। गलती हो गई, मैं तो कल मंदिर भी गई थी, ऐसी बात होती तो मैं देवताओं पे भी चली जाती, और मम्मी पहले ही बोलती रहे कि मावस है उस दिन की। अगस्त 27 मावस, बिल्कुल भी याद नहीं रहा मुझे, और मम्मी ने भी, आई मीन यहाँ की मम्मी ने भी मुझे सुबह बोला आज मावस है, आज तू जाएगी। मैंने कहा मम्मी मावस तो 27 तारीख की थी, यानी मावस कल हो चुकी है। अब मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहा, और कल भी जाना था देवताओं पे। तो देवता महाराज गलती सलती माफ़ करना, याद नहीं रहा, वरना आपको बताए एक दिन आगे पीछे भी हो, एक दिन ऐसी हुआ था मैं फिर भी गई थी और मैं जाती, पर चलो कोई नहीं, अगर आज संडे नहीं होता और मुझे फिर भी आ जाता तो चढ़ा के आ जाती, कोई नहीं, हर चीज़ दो होती है वैसे भी, लेकिन आज संडे था, चलो मावस के नाम का भी चढ़ गया और संडे के नाम का भी चढ़ गया। हर बार मतलब ये होता है, मैं देखती करती रहती हूँ तो ध्यान से रहता है। अब की बार वो कैलेंडर जैसे मैं लोग लगा रखा था ना, तो हवा चलती है ज़्यादातर, देखा होगा हम उस रूम में रहते भी हैं, तो हवा चलने की वजह से उसकी जो टांगने का था ना वो हट गया, तो वो मैंने ऐसे कर रखा है, वरना चलते फिरते मेरी उस पर नज़र जाती रहती, जब तो मैं नोट करती रहती थी, अब ऐसे ध्यान नहीं रहा। और अगर मम्मी को बताऊँगी, मम्मी कहेगी ना कल मावस मनाई, कहूँगी ना भूल गई, पहले ही बता रही थी, जब भी भूल गई, याद नहीं रही है रहो, पर चलो कोई नहीं, सीधे के भगवान है। अमरूद टोकरी में रखें, टोकरी में सुबह सुबह अमरूद खाओगे? नहीं, पहले दूध पीना है। चलो तो मैं अपना व्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। प्लीज़ व्लॉग वीडियो एंड तक ज़रूर देखें, पूरी देखें, बिना स्किप किए देखें, क्योंकि ऐसे देखोगे आपको बीच बीच में कोई बात पता चलेगी, कोई नहीं पता चलेगी। तो पूरा व्लॉग ज़रूर देखें एंड तक, और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एंड मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, या आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और उसे ऑल पे क्लिक करें। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर।